और बड़ी खबर, जयपुर से आरक्षण पर डिप्टी सीएम का बयान। एसबीसी जातियों को 5% आरक्षण सुरक्षित किया गया है। राजस्थान की विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक नया विधेयक पारित किया। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से, जहां आरक्षण पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट का बयान आया है। एसबीसी जातियों को 5% आरक्षण सुरक्षित किया गया है। राजस्थान की विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक नया विधेयक पारित किया, ऐसा कहना है डिप्टी सीएम सचिन पायलट का। सचिन पायलट ने गुर्जर आरक्षण पर बयान दिया है। एक नया विधेयक पारित हुआ है, जहां एसबीसी के 5 जातियों को, समाज के लोगों को 1% आरक्षण मिलता था। आज मुझे खुशी है बताते हुए कि राजस्थान की विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक नया विधेयक पारित किया है, जहां पर 5% का आरक्षण सुरक्षित किया गया है। इसके साथ ही साथ 200 के 200 विधानसभा सदस्यों ने सर्वसम्मति से ये भी आग्रह किया है कि इस कानून को संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए, और एक रेजोल्यूशन पास किया है कि जिस प्रकार आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण केंद्र सरकार ने संविधान के संशोधन के पश्चात सुनिश्चित किया है, उसी तर्ज पर इस कानून को भी संरक्षण मिले और संविधान में संशोधन हो, ताकि ये 5% का जो आज आरक्षण विधानसभा राजस्थान ने पारित किया है, वो संविधान के संशोधन हो सके दिल्ली में भी। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सदन के सभी सदस्यों का, तमाम दलों का, निर्दलीय विधायकों ने, सबने मिलकर इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया है। ये प्रदेश की जनता के सामने एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है कि जब जनता की बात आती है, कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए न्यायपालिका से अलग हटकर आज जो विधानसभा ने आज जो कानून बनाया है, उससे मुझे लगता है कि लोगों को राहत मिलेगी। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां पर गुर्जर आरक्षण पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट का बयान आया है। एसबीसी जातियों को 5% आरक्षण सुरक्षित किया गया है। आपको बता दें, राजस्थान की विधानसभा ने सर्वसम्मति से नया विधेयक पारित किया है। आपको बता दें, राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गुर्जर आरक्षण पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट का बयान आया है। एसबीसी जातियों को 5% आरक्षण सुरक्षित किया गया है। आज विधानसभा सत्र के दौरान इस आरक्षण विधेयक को पारित किया गया है।